नहीं, मामा को कुछ नहीं होने दे सकती, नहीं। हेलो, I'm coming. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, I'm coming, okay? हाय ईशा, वेलकम। नहा धोकर बेसब्री से कब से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था मैं। कम इनसाइड। तैयार है ना? मैं जैसे ही बोलूं उसको एक्सपोज कर देना, ठीक है? अब टीचर ने बोले तो काम तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले थोड़े से मजे मैं भी तो लूट लूं। This is not 100%. इसके गाल, इसके गाल, वो गाल जिनसे मुझे उसकी हंसी उखाड़नी है, वो गाल कहाँ? आंखों के नीचे नमी क्यों नहीं है? ये परफेक्ट नहीं है। This is not 100%. सर 99% परफेक्ट है, और सर ऐसी सर्जरीज में थोड़ा तो ऊपर नीचे होता है। 99% डॉक्टर कम है, इधर आ। 99% मुझे क्या चाहिए डॉक्टर? मुझे 100% पेमेंट, 100% दे रहा हूँ, रिजल्ट भी 100% चाहिए मुझे। ये काम करता, तुम्हें पेमेंट भी मैं 99% है तो 1% में मैं एक गोली चला देता हूँ। क्या करोगे 99% पेमेंट का? कुछ नहीं। क्या है ना डॉक्टर, जब बदले का लेन देन होता है ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपसे नहीं हो पा रहा ना डॉक्टर तो बोल दो, मैं किसी और को ले आऊंगा। आप जाओगे तो कोई और आएगा। हंड्रेड परसेंट हो गया ना डॉक्टर? सॉरी, अब बोलो। मैं करूंगा सर, करूंगा। आप करोगे डॉक्टर, आपको करना ही पड़ेगा। और 100% रिजल्ट चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 100% रिजल्ट। वेरी गुड सर। एक सेकेंड, अगर 100% नहीं आया ना डॉक्टर तो बताए ना क्या करूँगा मैं। How good you know it. Chal. Out. बस अब मुझे मेरे इस ताजमहल में जान भरनी। डॉक्टर तुम जान भर दो, इसमें आत्मा मैं डाल दूंगा, और उसके बाद युविका और गिल खत्म। अब ये कैसे पता चलेगा कि ईशा अंदर है या नहीं? जाओ, जाकर चेंज करके आओ।
लड़का कौन है और ईशा इसके साथ कर क्या रही है? कौन है तुम? क्या चाहिए? इतना मार इसको, इतना मार कि अगली बार किसी औरत को छूना तो क्या नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। हिटिम, शा नहीं, तो मुझे मारने चल। चुप, वरना ये ज़बान भी नहीं रहेगी, समझ में आई बात? चुप, इशा हिटिम। तुम्हारी फोटोज सर, एक सर्जरी और करनी होगी। परफेक्ट? हाँ सर, परफेक्ट बनाने के लिए, लेकिन सर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ? क्या फिर से बोलना डॉक्टर? क्या टाइम लगेगा? हाँ डॉक्टर, मैंने क्या पूछा? टाइम लगेगा, हाँ या ना? टाइम लगेगा सर। डॉक्टर, टाइम लगेगा। इट्स ओके, इट्स ओके डॉक्टर स्माइल, टाइम लो। ताजमहल को बनने में भी तो टाइम लगाया था, तो ठीक है डॉक्टर, टाइम लो, बट शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। जी सर। जितना रोना है ना रोले, ये सोच कि तेरा डर, तेरी सारी शर्म बाहर आ गई है, और ये बात बिल्कुल भी दिमाग में मत लाना कि तूने कोई गलती करी है या तुझे किसी के भी सामने सर झुकाने की कोई जरूरत है। कमजोर तू नहीं है ईशा, कमजोर तो इस जैसे मर्द है जिसे अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों की शराफत, दूसरों की इज्जत, दूसरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तू कैसे मर्द पर जिसे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए किसी औरत की लाचारी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाना पड़ता है ईशा? तू कैसे मर्द पर? चल ईशा, घर चलते। सारी की सारी फोटोज और वीडियोस लीक, एक्सपोज कर दे उसे। कर दिया मैंने सब कुछ वायरल, अब थूकेगी दुनिया तुझ पर, थूकेंगे तेरे अपने घर वाले तुझ पर, अब तेरी बदनामी होने से कोई नहीं रोक सकता ईशा। क्या एक औरत की इज्जत सिर्फ उसके
बदन पे दिखाई देती है तुझे? देख मेरी आंखों में, देख मेरी आंखों में, दिखाई दे रही है मेरी बहन की इज्जत, दिखाई दे रहा है मेरी बहन के लिए गर्व। जब तक ईशा की माँ, ईशा का भाई और ईशा की बहन की आंखों में उसके लिए इज्जत और गर्व है ना, तब तक कोई ईशा की इज्जत का बाल भी बाका नहीं कर सकता। समझ में आई बात? और तुझ जैसा शैतान तो बिल्कुल भी नहीं। हमें ईशा की इज्जत, हमें ईशा का गर्व, हमें ईशा की ताकत। बेइज्जत तो तुझ जैसे लोग होते हैं जो दूसरों की अश्लीलता में खुद की इज्जत ढूंढते हैं। शैतान कहीं का चलिशा, घर चलते हैं। क्या हुआ ईशा? चल, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब। जिस चीज को बचाने के लिए मैंने वो सब किया जो इन लोगों ने मुझसे कहा, लेकिन मैंने सब खो दिया। चिल मॉम, काम हो गया, एवरीथिंग्स ऑन पॉइंट, अपनी नजरें कंसोल पर। Ready for the show? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.